आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर भी कई लोगों को इस बात का कन्फ्यूज़न है कि हम इस साल 75वां या 76वां कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हम इस कन्फ्यूज़न को दूर कर रहे हैं। पहले स्वतंत्रता दिवस का इतिहास जान लेते हैं। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी लेने में 200 साल से भी अधिक का समय लग गया था। इसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था। इसके बाद से स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये स्वतंत्रता दिवस 75वां है या 76वां। आज़ाद भारत का इस साल 76वां स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं। इस कारण वर्षगांठ 75 भी होगी। पहली बार 15 अगस्त सन 1947 को देश के आज़ाद होने पर झंडा फहराया गया था। तकनीकी रूप से देश का पहला स्वतंत्रता दिवस इसी दिन था। इसके बाद 15 अगस्त 1948 को भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस और आज़ादी की पहली वर्षगांठ थी। इस हिसाब से 15 अगस्त 2022 को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और 76वां स्वतंत्रता दिवस होगा। आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से अब कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा कि हम इस साल 75वां या 76वां कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।